सच के साथ। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि अमेठी में 5 दशकों तक एक परिवार ने राज किया, लेकिन वहां विकास नहीं हुआ। वहां मेडिकल कॉलेज के लिए आवंटित जमीन पर उक्त परिवार का गेस्ट हाउस बन गया, लेकिन अब पीएम मोदी के प्रयास से वहां मेडिकल कॉलेज बन रहा है। उन्होंने ये बातें शनिवार को कबीरचौरा स्थित सरोजा पैलेस में भाजपा शहर दक्षिणी विस के प्रबुद्ध सम्मेलन में कही। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा आज अस्वस्थ जनता की विकास यात्रा है। उन्होंने अमेठी के गांव में व्याप्त गरीबी का उल्लेख किया, कहा कि अमेठी मेरे मन को छूने वाली है। वहां के सांसद ने किसानों की जमीन हड़पी है, वहां सीएमओ कार्यालय अब बना है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के काल में 80 करोड़ नागरिकों को 14 महीने तक हमारे पीएम ने मुफ्त राशन दिया। कोरोना की महामारी में यह आशंका थी कि 134 करोड़ के देश में लोगों को भरपेट भोजन व वैक्सीन उपलब्ध हो पाएगी। पीएम ने यह कर दिखाया। एक एक वैक्सीन में एक एक का जीवन छिपा है। आज वैक्सीनेशन हमारा देश विश्व में रिकॉर्ड कायम कर रहा है। आज वैक्सीनेशन के मामले में हमारा देश विश्व में रिकॉर्ड कायम कर रहा है। 2014 में पीएम ने कहा था कि महिलाओं के लिए शौचालय बना दो। उन्होंने उसे गांव-गांव में पूरा किया। 10 करोड़ से ज़्यादा गरीब परिवारों को शौचालय बनाकर दिया। महिलाएं चूल्हा फूंकती व सीने में धुआं भरती थीं। आज पीएम ने ऐसी गरीब महिलाओं को स्वच्छ ईंधन पहुँचाया। 8 करोड़ 12 लाख घरों में पानी का कनेक्शन पूरे देश में उपलब्ध कराया। कर्कश जैसे शब्द उनके पास हैं जिनके महल अब ढह रहे हैं। पीएम ने किसानों को बैंक के माध्यम से पैसा पहुंचाया। बीबीटी के माध्यम से 2 लाख करोड़ रुपए बचाया गया है, यह किसानों के खाते में गया है। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए पीएम को जनता ने पूरा सहयोग दिया। इस सम्मेलन को सुनील ओझा ने भी संबोधित किया। आरंभ में प्रदेश प्रभारी व केंद्रीय मंत्री ने जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्याम चरण मुखर्जी व पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र के सामने दीप जलाया। प्रदेश के राज्य मंत्री क्षेत्रीय विधायक डॉ. नीलकंठ तिवारी ने अभ्यागतों का स्वागत किया। संचालन आलोक श्रीवास्तव ने किया। धन्यवाद ज्ञापन महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय ने किया। संभव नहीं है 135 करोड़ के देश में सबका पेट भरा रहे। संभव नहीं है 135 करोड़ के देश में वैक्सीन बन जाए, दवा मिल जाए। उस असंभव को भी संभव कर दिखाया प्रधान सेवक ने आपके सहयोग और आपके आशीर्वाद। सच के